आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जाड़े में हल्के तेलों की बढ़ती मांग के बावजूद पिछले कुछ दिनों से तेल तिलहन बाजारों में सोयाबीन, सरसों, बिनोला, सीपी और पामोलिन सहित अधिकांश तेल तिलनों के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि सोयाबीन के तेल रहित खल की पिछले साल के मुकाबले निर्यात मांग बेहद कम रह गई है। जो मांग है वो स्थानीय स्तर पर ही है। इसके अलावा सोयाबीन संयंत्र को तेल पिराई करने में 5 से 7 रुपए प्रति किलो का नुकसान है। वहीं संयंत्र वालों को लागत के मुकाबले कम भाव पर बाजार में अपना माल बेचना पड़ रहा है और इस बेपरता कारोबार से तेल उद्योग, किसान और तेल आयातक परेशान हैं। वहीं कारोबारियों को बाजार से तिलहन कहीं ऊंचे दाम से खरीदना पड़ रहा है, जबकि सस्ते आयातित तेलों के बाजार में दाम कम है, जिससे इन कारोबारियों को अपना माल सस्ते में बाजार में खपाना पड़ता है, यानी मिल वालों, संयंत्रों, आयातकों, सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मिल वालों को विदेशों से आयात करने पर सीपीओ मुनाफा जोड़कर 111 रुपए प्रति किलो का भाव पड़ता है, जबकि बाजार में इसका भाव 108 रुपए प्रति किलो है। पामोलिन के मामले में भी यही स्थिति है, जहां लागत के मुकाबले बाजार भाव 4 से 5 रुपए प्रति किलो अधिक है। इसी बेपरता कारोबार की स्थिति में आयातक बदहाल है। व्यापारियों का कहना है कि जब वायदा बाजार में भाव नीचे चल रहे हैं तो इसका मतलब उपलब्धता पर्याप्त है, तो फिर खाद्य तेलों का आयात क्यों करना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि अपनी खाद्य तेल जरूरतों के लिए लगभग 65% आयात पर निर्भर देश के व्यापारियों और आयातकों को बेपरता भाव पर तेलों की बिक्री क्यों करनी पड़ रही है। ऐसे में व्यापारियों ने लागत से कम भाव पर बिक्री करने की बाध्यता पर गौर करने का सरकार से अनुरोध किया है। कुछ समय पहले स्टॉक लिमिट लागू होने की चर्चाओं के बीच व्यापारियों, तेल मिलों और किसानों ने सरसों के अपने सारे स्टॉक को खाली कर दिया था। इस वजह से सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखी गई। सरसों की उपलब्धता काफी कम हो गई है और इसकी अगली परिपक्व फसल आने में अभी 2 से 2.5 महीने की देरी है। इस बार किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिलने से सरसों की अगली पैदावार बंपर होने की भी संभावनाएं हैं। इस बार इसकी बुआई का रकबा काफी बढ़ता दिखाई दिया है। सीपी और पामोलिन के आयातकों को भी प्रति किलो तेल पर 3 से 4 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होने और जाड़े के मौसम की मांग घटने से सीपी और पामोलिन तेल के भाव में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।